तो बच्चों अभी जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। आपको क्या बोला हुआ है, अ रॉड ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड रेडियस 3.6 mm कैरीज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम विच इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। आपसे क्या पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछी हुई है कहां पे, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड के। आपको क्या क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी है, चार्ज दे रखा है। तो हम यहां से चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं लैम्डा, दैट इज क्यू बाई एल। तो लैम्डा कितना आ गया, चार्ज कौन सा दे रखा है, नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो माइनस 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2.2। ये आपके पास क्या आ गया, लैम्डा आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी पता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये नीचे आपका पास आर दे रखा है, ये आपके पास लैम्डा है, तो यहां से हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू आ गई है, क्लियर है। अगर इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, क्लियर है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।